हेलो दोस्तों, माइंड स्पार्क मोटिवेशनल चैनल के इस यूनिक वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी बहुभुज के अंदर पॉलीगन के अंदर का जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगलों को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं हमको हल्के हल्के क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा जिससे बेसिक क्लियर हो सके, फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चनों को आपके सामने लाया जाएगा जिनकी आने की परीक्षाओं में बहुत संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसका बेसिक मजबूत करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, होगा जिससे आपकी पूरी शंकाएं जो हैं समाप्त होंगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आए, अपने कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट या सुझाव जो आपके हैं वो ज़रूर इस पर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला जो भाग होता है इसका, क्षैतिज भाग में जब उसको किसी भी त्रिभुज को विभाजित करता है किया जाता है तो कितने त्रिभुज उसमें बनते हैं। जैसे आपको ये पहला दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। यदि हम इसको क्षैतिज रूप में यानी हॉरिजॉन्टल रूप में इसको सेक्शन करें, काटें, तो कितने त्रिभुज बनेंगे। ऑब्वियसली आपको जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये दिखाई दिया आपको, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ऊपर वाला। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बीच का अगर रेखा ना हो तो ये पूरा त्रिभुज बना, तो एक त्रिभुज ये बन गया ऊपर और एक बन गया नीचे। यानी हम इसको कह सकते हैं जितने आपकी आधार के तौर पर रेखाएं बनेंगी उतने ही त्रिभुज इसमें बनेंगे। एक त्रिभुज एक आधार रेखाएँ बनी, एक आधार रेखाएँ बनी, तो दो त्रिभुज इसमें निर्माण हो गया। अगले में देखें, आप इसको देख सकते हैं क्षैतिज रेखाओं के रूप में पूरा त्रिभुज बटा हुआ है, एक क्षैतिज रेखा, दो, तीन और एक उसकी खुद की आधार रेखा, तो कितने बनेंगे, एक, दो, तीन और चार। तो इसमें कुल मिलाकर के चार त्रिभुज बनेंगे जबकि इसमें दो त्रिभुज बनेंगे और ये सिंगल ही है तो एक त्रिभुज इसमें स्वतः ही होगा। तो इस प्रकार से जब भी ध्यान रखना, जितनी क्षैतिज रेखाएँ होंगी, आधार को भी इसको इंक्लूड करना, उसको भी शामिल करना, उतने ही त्रिभुज इसमें बनेंगे। ये तो पहला था कि क्षैतिज भाग में जब कोई बड़ा त्रिभुज विभाजित हुआ हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, तिरछी रेखाएं से बटा होगा, उतने ही त्रिभुज इसमें निर्माण होते हैं। अगला है, जब त्रिभुज ऊर्ध्वाधर भागों में यानी वर्टिकली डिवाइडेड होता है तब कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है, कितने त्रिभुज बनते हैं। देखिए, पहले तो था क्षैतिज हॉरिजॉन्टल सेक्शन हुए थे, अब इसको किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जब उसको रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज भागों में बंटने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इस वाले में और उपरोक्त में थोड़ा अंतर है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पूरा त्रिभुज है जो ब्राउन कलर में है, थोड़ी देर के लिए आप अंदर की लाइन भूलें तो पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इस रेखा को खींचने के बाद, जो ऊर्ध्वाधर रेखा को खींचने के बाद, ये दो भागों में बढ़ गया है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, जितने भाग बनेंगे उन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, एक धन दो बराबर तीन त्रिभुज बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ तीन त्रिभुज कौन कौन से बने। एक तो ये बना इस साइड का, ये जो बन रहा है, दूसरा बन रहा है ये, और तीसरा बन रहा पूरा, पूरा का पूरा। तो पहला तो बन गया इस ओर, दूसरा बन गया ये जो आप इस भाग से देख रहे हैं राइट साइड को, और तीसरा बन गया पूरा। तो इस प्रकार से तीन त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। अगले देखिए, ये जो ब्राउन कलर है इसके अंदर जो दो नीली रेखाओं के द्वारा त्रिभुज को तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया है, तो कितने भाग बन रहे हैं इसके, वो एक, दो, तीन। अब कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसको ज्ञात करना है, तो जितनी संख्याएँ यहाँ जितने भाग बनते हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। तो एक धन दो धन तीन, तीन दो पाँच एक छः, तो इसको कुल मिलाकर के छह त्रिभुज बनेंगे। तीन तो ये बन गए, चौथा ये बनेगा इतना पूरा लेकर के, पांचवा यहाँ से ले लो इधर पूरा इतना, और छठा बन गया इसका पूरा का पूरा भाग लेने पर, तो छह त्रिभुजों का निर्माण होगा। अगला देखते हैं इसमें, अगले चित्र को, इसको भी इसी प्रकार से समझेंगे। बहुत आसानी से यदि आपका प्रैक्टिस बनती रहेगी, आपकी अभ्यास बनती रहेगी, तो बहुत ही कम समय में यानी विथन 5 सेकंड के अंदर आप त्रिभुजों के मान ज्ञात कर सकते हैं कितने त्रिभुज हैं। एक, एक भाग ये है,
दो भाग, तीन, चार और पाँच, पाँच भागों में चार ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा ये त्रिभुज बढ़ गया है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। इनका जो जोड़ होगा, जो इनका जो सम होगा, वो कुल त्रिभुजों की संख्या को बताएगा। पाँच में चार नौ, नौ में तीन बारह, बारह दो चौदह, एक पंद्रह, तो ये बन जाएंगे 15। टोटल 15 ट्रायंगल इसके अंदर बनेंगे, 15 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर भागों में बनी विभाजित त्रिभुजों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको चैनल में अन्य वीडियोज भी देखने हैं तो शॉर्ट वीडियो भी हमारे चैनल में उपलब्ध है, उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है और भारत के सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है, हमारे देश के सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है। साथ ही मैथ्स के छोटे छोटे ट्रिक्स से बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनसे बने बहुत से शॉर्ट वीडियोज प्ले स्टोर पर इसके जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप देख सकते हैं। उसमें मैथ्स शॉर्ट्स करके एक अलग से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। अब देखते हैं अगला। अगला है टाइप थर्ड, तीसरे प्रकार के किस प्रकार से होंगे? जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विभाजन दोनों एक ही चित्र में मिलें, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी दोनों एक ही चित्र में मिलें, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, पहले हम इस प्रकार का जिसमें हमारा ऊर्ध्वाधर था, ये तो अभी हम समझे थे, इसको हमने कैसे ज्ञात किया था? जितने खाने बन रहे हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, जैसे तीन दो पाँच एक छः, इसमें छः त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दोनों एक साथ हैं, यहाँ देखिए एक दो तीन, तीन खाने बन रहे हैं और साथ में एक रेखा और इसके बीच में है, जिससे कि ऊपर भी तीन भागों में बट रहा है। इससे ऊपर को देखें, एक दो तीन, अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसके ऊपर का भाग यदि हम देखें तो ऊपर के भाग ये वाला बनेगा, इसमें तीन बनेंगे तो तीन खानों में बनेगा, तो टोटल इसके छः त्रिभुज ऊपर भी बनेंगे और छः नीचे बनेंगे। तो इस प्रकार से छः धन छः बराबर बारह, इसमें टोटल बारह त्रिभुज बनेंगे। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका भी ये है, यदि नीचे पहले वाले खाने में जितने त्रिभुज बनते हैं और कितने आधार रेखाएं बन रही हैं, क्षैतिज रेखाएं एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, जितनी रेखाएं उससे गुणा कर दीजिए उतने ही त्रिभुजों का निर्माण होता है, तो ये बनेंगे बारह त्रिभुज। अगला एक चित्र और देखते हैं इसका, अब आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, एक दो तीन चार, जिनका योग देखें, पहले इसके आधार, इस आधार से कितने बनेंगे, चार तीन सात, सात दो आठ, आठ एक, यहाँ पर देखें चार तीन सात, सात आठ नौ दस, दस बनेंगे। और कितने आधार रेखाएं हैं, एक दो तीन, तो दस गुणा तीन, तो इसमें टोटल तीस त्रिभुजों का निर्माण होगा, थर्टी त्रिभुज इसमें बनेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए आधार, अब इस आधार को लेकर के ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा कितने भागों में बट रहा है, एक दो तीन चार, जैसे अभी उपरोक्त वाले में देखा होगा ना, चार तीन सात दो नौ एक दस, दस त्रिभुज इस आधार से बन गए। तो अब आधार कितने बनते हैं हमारे पास क्षैतिज रेखाओं से, एक दो तीन चार, चार क्षैतिज रेखाएं हैं, एक दो तीन और चार, तो गुणा चार करेंगे तो हमारा हो गया चालीस त्रिभुज इसमें बनेंगे। कुल कितने बनेंगे, चालीस त्रिभुज। अब इसको देखें, एक दो तीन चार पाँच, तो ये हो गया पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह, एक पंद्रह। अब देखिए आधार के अनुसार देखें, एक ही रेखा बनती है क्षैतिज वाली, दो और तीन, इनके द्वारा भी, इसके द्वारा तो पंद्रह बनेंगे, इसी प्रकार इससे बनेंगे, इसी प्रकार इससे बनेंगे, तो कितनी रेखाएँ, एक दो और तीन, हमारे पास तीन रेखाएँ बन रही, तो तीनों से बनेंगे, एक से पंद्रह बन रहे तो गुणा तीन, जैसे इससे पंद्रह बने तो इस वाले आधार से भी ऊपर को पंद्रह और बनेंगे, इस आधार से भी ऊपर को पंद्रह बनेंगे, तो पंद्रह गुणा तीन पैंतालीस, तो इसमें पैंतालीस त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार की ट्रिक यदि आप परीक्षाओं में यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
तो आपको आसानी से त्रिभुजों की संख्याओं का पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में अब इनको भी शामिल कर किया जाने लगा है, ऐसे प्रश्नों को, जहाँ पर अगर यदि आप ट्रिक नहीं समझेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा समय लेते हैं और सही होने की संभावना भी कम रहती, कभी गलतियाँ हो जाती हैं। यदि आप ट्रिक समझ जाएँ जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रकार देखते हैं इसका। जब ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक क्षैतिज रेखा पर न होकर के अलग अलग क्षैतिज रेखाओं पर पड़ी हों और अलग अलग भागों में बांट रही हों, इस प्रकार का जो चौथा प्रकार है। देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा हम यहाँ लेके आ रहे हैं, ये मुख्य आधार रेखा को एक ही बार पर टच हो रही है, जबकि दूसरे वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा है नीचे से ऊपर की क्षैतिज रेखा दूसरी पर ही तक ही है, जबकि उसके मूल आधार पर नहीं पहुंच रही, ना तक कट नहीं कर रही है, या कह सकते हैं उसको अलग भागों में नहीं बांट रही है। तीसरी वाली जो आधार क्षैतिज रेखा है उसके साथ तीसरी वाली लंबवत रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो मिल रही है, तो अलग अलग त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत आसान है, पहले का ही तरह, थोड़ा सा इसमें हल्का चेंज है। एक दो भागों में इस रेखा के साथ जो आधार रेखा है ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये बांट रही है, तो दो भागों में बांटा तो कितने त्रिभुज बन गए, दो एक तीन, तो इसमें बनेंगे तीन त्रिभुज। अब इसी प्रकार इसमें एक दो तीन, तो ये बन गया छह त्रिभुज, और इसमें देखेंगे एक दो तीन चार, तो इसमें बनेंगे चार तीन सात, दो नौ एक दस, दस त्रिभुज। तो कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज बन गए, ये बन जाएंगे 19 त्रिभुज, इनका योग करेंगे 19, तो इसके अंदर बनेंगे 19 त्रिभुजों का निर्माण इसके अंदर होगा। अगला देखते हैं इसी प्रकार से। अब यहाँ देखिए, इस बड़ी रेखा के साथ इस ऊर्ध्वाधर रेखा से दो भागों में बांटने पर कितने त्रिभुज बनेंगे, एक दो, एक तो ये बनेगा इधर इतना बड़ा, एक ये बनेगा इसके इस साइड से, ठीक है, और एक पूरा का पूरा बनेगा, तब बन जाएंगे तीन, इससे बनेंगे तीन। अगला देखें, एक दो तीन, तो इसमें बनेंगे तीन दो पाँच एक छः, छः कौन कौन से बनेंगे इसको समझिए, एक बनेगा यहाँ से लेकर के इधर तक, एक ही बन गया, एक इस भाग को लेने पर दो बन गए, और इसको लेने पर तीन बन गए, और इसको ले चार बन गए, और एक पूरे को पाँच, और एक इस साइड को ले लेंगे छः बनेंगे। तो इसी प्रकार से इसको ले लें, एक दो तीन चार, तो इसमें बनेंगे दस, और इसको ले घूँ एक खाना दो तीन चार पाँच, तो इसमें बनेंगे पंद्रह, इसमें बनेंगे पंद्रह त्रिभुज। इस प्रकार से हम इनको देखें तो इसका जो मान बनता है टोटल 34 त्रिभुज इसमें बनेंगे, यदि हम इनको जोड़ें तो इस वाले त्रिभुज के अंदर 34 छोटे त्रिभुज बनेंगे 34। अगला देखते हैं, अगला इस प्रकार से है। अब क्षैतिज रेखा न खींच करके दूसरे शीर्ष से फिर से एक अन्य रेखा में बांटा जाए तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए इस रेखा के द्वारा इसके आधार में कितने भागों से बांटता है, तो हम इसको देखें, एक इसको आधार मान के चलें, दो तीन चार, तो कितने त्रिभुज बन गए, चार तीन सात, दो नौ एक दस, इसमें बनेंगे दस त्रिभुज। इसी प्रकार से जब इसको हम आधार लें इस वाले को, तो अगर बीच का छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए बीच का नहीं है, तो कितने बनेंगे, ये पूरा बनेगा इसके साथ ही यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ऐसे ही ये बनेगा, दो तीन और ये चार, इस प्रकार से औरों को भी इसके साथ मिला करके देखें तो यहाँ पर भी बनेगा दस, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको देखें इतना थोड़ी देर के लिए, आप इसको
इग्नोर करके भूल जाइए, इतना मात्र, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप कितना बन रहा है, एक ये बना, एक ये बना, तो कितने खाने, एक, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो और एक पूरा बन गया तीन, तो एक दो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तीन आ गया, ठीक। ये एक पहनी ऊपर से भी लिखा है, तो इसी प्रकार से इसमें तुम दोनों को आधार लेंगे तो यहाँ से भी बनेंगे तीन, इधर से भी बनेंगे तीन, और इस वाले में से भी बनेंगे तीन, ठीक। तो अब कितने टोटल त्रिभुज बन गए, तीन तीन तीन, और इनको जोड़े तो ये हो गया बारह, बारह ये हैं, दस ये हैं बाईस, और बारह ये हैं बत्तीस। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो एक त्रिभुज है वो अगर आप इसको नीचे वाले को आधार लेके चल रहे थे पूरा, तो एक बन रहा था, हम इसको एक ले रहे थे पूरा, लेकिन यहाँ पर भी गिना हमने इसको, इसके साथ भी गिना था पूरा के साथ, लेकिन जब इसको हम आधार मान के चल रहे थे तो यहाँ भी गिना, तो दो बार गिना गया। उसी प्रकार इस वाले को भी पूरा दो बार गिना गया, इस वाले के साथ भी जब हम इसको आधार लेके चल रहे हैं, या जब इनको क्रॉस सेक्शन में लेके चल रहे हैं, तो चार रिपीट हो रहे हैं इधर से भी, चार रिपीट हो रहे हैं दूसरी ओर से भी, तो हम इसमें आठ घटा देंगे, तो हमें मान आ जाएगा चौबीस, तो चौबीस इसके राइट आंसर होंगे। अगला देखिए इसमें किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए एक त्रिभुज ये बन गया पूरा, दो एक तीन, ठीक, और इस ओर देखें, इसको आधार लेके चलें और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये वाले को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये बन गया एक दो तीन भागों में, तो ये आ गया दो तीन पाँच, एक छः, और यहाँ पे दो तीन और एक छः, तो छः छः हो गया बारह। तो ठहरिए, ये बार नहीं, यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो बीच का है ये वाला त्रिभुज, ये एक इस बार भी गिना जा रहा है, दूसरी ओर से जब इसको बेस लेकर के इसके साथ ले रहे हैं यहाँ भी गिना है, तो दो बार आ रहा है, और इसको एक माइनस कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्यारह, तो इसमें बनेंगे ग्यारह त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि बार होगा तो आप गलती जल्दीबाजी न करें, इसकी वजह से आपके आंसर के रॉन्ग होने के चांस भी हैं। अगला लेते हैं, इस प्रकार से जब बने तो कितने त्रिभुजों का निर्माण इसमें हो सकता है। ये तो ऊपर ही बना रखा है, वही त्रिभुज यहाँ पर नीचे भी है, यही वाला है। अब इसको हम ले लेंगे इसे, अब यहाँ देखिए इसको जब आधार लेके चलें तो एक दो तीन, इसको आधार लेके चलें इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं के साथ, तो इसमें भी तीन भागों में बढ़ेगा। इसे आधार लेके चलें, यानी हम इसको इस प्रकार से लेके चलें, पहले वाले में पहले तो पूरा हो गया, दूसरी बार में देखेंगे आप ये बीच की रेखा थोड़ी देर के लिए भूल जाए, एक दो तीन भागों में बटा, फिर इसको लें तो ये भी तीन भागों में बट रहा है, एक दो और तीन, तीन भागों में फिर से बढ़ गया, ठीक। तो इसका आंसर देखते हैं, ये आ गया सिक्स, यहाँ बनेंगे वन टू और थ्री, इनको ऐड करके सिक्स, और ये सिक्स। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको आधार इनको माने इस ओर से, यानी हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे यदि घुमा दें आपके समझने के लिए, तो यहाँ से भी आधार बनेंगे एक दो तीन, ये जो त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पर दो दो बार गिने जा रहे हैं, एक बार यहाँ एक बार उधर, और इधर भी देखिए आप गिने जा रहे तीन, तो इसी प्रकार से इसमें भी। तो ये आ गया, पहले इसको देख लेते हैं, अगर हम ऊपर देखें सिक्स ये बने, इनको आधार मान के चलें तो वन टू थ्री तीन भागों में है, जैसे इधर गया तो यहाँ छः यहाँ बनेंगे, छः इधर बनेंगे, छः इधर बनेंगे, ठीक है।
लेकिन तीन त्रिभुज इस आधार पर, तीन इस त्रिभुज के आधार पर, तीन इस जगह के आधार पर रिपीट होंगे। एक यहाँ रिपीट होगा, एक यहाँ रिपीट होगा, इस प्रकार से रिपीट होंगे और इधर भी रिपीट होंगे। तो टोटल कितने रिपीट होंगे? छः रिपीट होंगे, छः तीन नौ, नौ रिपीट होंगे। तो ये आ जाएगा 36 ऋण 9 बराबर 27। इनको ऐड करो 6 6 6 6 18 18 गुना 36, उसमें से 9 जो हैं त्रिभुज रिपीट हो रहे हैं तो दो दो बार गिने जा रहे हैं, उनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ गया, 27। ठीक है, ये आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। होता क्या है, अब इनको पता करने के लिए जब भी इस प्रकार से आता है तो कितने रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा समय लेता है, तो क्या करेंगे आप, जितने खाने हैं एक ही को आधार मान के चलो। जैसे यहाँ पर दो जगह से रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उतना हम घटा देंगे। जितने टोटल खाने बन रहे हैं उतना आप घटा दीजिए, वही कहीं ना कहीं दूसरी जगह से रिपीट हो रहे होते हैं। इससे पहले वाले में भी देखिए, हमने 8 घटाए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घटा दीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक है, जब भी इस प्रकार से शीर्ष से, दो शीर्षों से त्रिभुज आपस में कटते हैं, जैसे यहाँ पर भी दो शीर्षों से कट रहे हैं, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जितने खाने बन रहे, जितने घर बन रहे, उतनी संख्या को हम घटा देंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी कहीं पर आपको शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी इन शंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा इस पर एक वीडियो और बनने की संभावना है, जो कि बेसिक लेवल पर ही है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे निवेदन भी है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी इस चैनल की जो भी वीडियो जाएंगी, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मुझे होप है कि आप लोग ज़रूर मुझे सहयोग करेंगे, अभी तक आप करते आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके पार्ट सेकंड के साथ। थैंक यू।